चलिए, इस चैप्टर का जो मेन नाम है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उसका नाम क्या था? मार्जिनल कॉस्टिंग। उसको बोलते थे ब्रेक इवन एनालिसिस। इसको हम लोग बोलते हैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हम लोग बोलते हैं वेरियंस एनालिसिस। तो वेरियंस एनालिसिस से सामने समझ में नहीं आता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आपको समझ में आ जाएगा इसमें हम लोग करते क्या है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है तो वो कोई काम जब करती है ना तो प्री डिटरमाइंड होती है। उसका जो प्रोसेस जो होता है, उसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? प्री डिटरमाइंड का मतलब समझते हैं कि नहीं आप? क्या पहले से डिसाइड होता है? आप नोटिस कीजिएगा जो एक छोटा चाय का दुकान है उसमें चाय बनाता है ना तो अंदाजे बनाता है। चाहे घर में आप चाय बनाते हैं ना, अंदाजे बनाते हैं। तो कभी सुनते होंगे चाय बोलता है अभी का चाय बहुत अच्छा था, याद है? कभी दूध ज्यादा होता है, कभी पानी, कभी चीनी, कभी चपाती। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, गलत की सही। लेकिन बड़े कंपनीज का आज कुछ भी खाइए, आप लेज या बड़े होटल का चाय पीजिए, आपको एक रंग का टेस्ट हमेशा मिलता है, गलत की सही। क्योंकि वो क्वांटिटीज मिक्स किया हुआ है। 1 केजी अगर हम दूध लेंगे तो उसमें हम उसका पता है कि 800 ग्राम पानी मिलाएंगे पक्का, और इसमें हम 4 चम्मच अगर चीनी देंगे तो 2 चम्मच चपाती देंगे, और हमेशा उसको वही मेंटेन करता है। उसका चाय हमेशा एक रंग रहेगा, तो वो उस पॉइंट को पकड़ लिया है कितना देने से चाय अच्छा बनता है, और उसको क्या कर लिया है, उसको एक रिकॉर्ड कर लिया है। बात समझे आप? उसको क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया है और उसी को फॉलो करता है। तो क्या होता है, उसका प्रोडक्ट हमेशा एक जैसा बनता है, एक जैसा टेस्ट। आप लेज कितना भी पैकेट खा लीजिए पूरा इंडिया में, आप नोटिस कीजिएगा एक जैसा अंदर से भी निकलता है, गलत सही। खाली साने पैकेट छपा लिया एक बार में, उसका जो फिर दोबारा जो होता है ना उसमें एक ही जैसा होता है, क्योंकि उसका प्रोसेस सेम है ना। कितना हीट पे देना है, कितने टेम्परेचर पे फ्राई करना है, उसको सब पता है। इसलिए एकदम 100% एक्यूरेट एक ही टेस्ट महसूस करते हैं, गलत सही। और घर में आप लोग चिप्स फ्राई करते हैं तो, तरुआ फ्राई करते हैं तो अलग अलग टेस्ट महसूस होता है, बोलते हैं आज का तरुआ अच्छा था। क्यों? क्योंकि हम लोग अलग तरीके से बनाते हैं। तो लॉजिक समझ रहे क्या करता है? तो कंपनी क्या करता है, तो पहले वो प्री डिटरमाइंड कर लेता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं बजट। समझे? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बजट। जैसे हम लोग उसमें चले, तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग का फैक्ट्री किस चीज़ का था? पेन का था ना, पेन का फैक्ट्री। हम लोग फैक्ट्री में क्या बनाते थे? पेन। तो जो फैक्ट्री में जो मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, समझ में आ रहा है, जो मैनेजर है वो क्या करता है, पहले वो गोल सेट करता है कि पेन बनाने में कितना मटेरियल लगेगा। तो सपोज कीजिए हम बनाया होगा कि हम एक पेन बनाएंगे, यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग? एक पेन बनाने में सपोज कीजिए 3 मटेरियल लगता है, मतलब प्लास्टिक लगेगा, इंक लगेगा और अदर मटेरियल लगेगा पक्का। तो पहले वो डिसाइड करता है कि कितने तरह का मटेरियल लगेगा, 3 तरह का। तो मटेरियल डिसाइड करेगा, एक डिसाइड क्या आएगा उसका पहला, कि कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, प्लस वो डिसाइड करेगा कि कौन सा मटेरियल कितना लगेगा। तो मान लीजिए वो डिसाइड करेगा कि ए का लगेगा 10 ग्राम, बी का लगेगा 20 ग्राम और सी का लगेगा 5 ग्राम, ऐसा ही कुछ होता होगा ना पक्का। ये भी प्री डिटरमाइन करेगा कौन कौन मटेरियल लगेगा, कितना लगेगा पक्का। फिर ये डिटरमाइन करेगा कि उसका कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट पर ग्राम। तो बोलेगा ये जो 10 ग्राम खरीदेंगे ना, ये हमको 2 रुपया पर ग्राम मिलेगा सपोज कीजिए, और ये जो बी खरीदेंगे, बी क्वांटिटी, हमको 1 रुपया ग्राम मिलेगा, और ये 4 रुपया ग्राम मिलेगा। ऐसा हो सकता है? समझ में आ रहा सबको? तो ओवरऑल ए का हम, ए में कितना कॉस्ट चला जाएगा, 10 ग्राम × 2 20 रुपया का ए लगेगा, और 20 × 1 20 रुपया का हमको बी लगेगा, और 5 × 20 20 रुपया का मेरा, इसको 3 ले लीजिए, 3 रुपया ग्राम, 15 रुपया का मेरा क्या लगेगा, सी मेटेरियल लगेगा पक्का। तो जिस तरह से हम बनाएंगे तो पूरा मटेरियल मेरा कितना लगेगा, 45 रुपये का पक्का। तो 55 लिख दीजिए, कोई बड़ा बात नहीं। समझ में आ रहा है कितना लगेगा? 55। इसको हम लोग बोलते हैं प्री डिटरमाइंड, इसको बोलते हैं हम लोग प्री डिटरमाइंड, या इसको, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड। मतलब एक स्टैंडर्ड है, समझे, एक पेन में इतना लगेगा, या इसी को बोल देते हैं बजट या बजटेड। समझ पा रहे हैं आप? इसी को बोलते हैं प्री डिटरमाइंड, स्टैंडर्ड या बजटेड, गलत की सही। समझ में आया लॉजिक? अब क्या करता है, ये कंपनी बनाना शुरू करता है। ये कंपनी क्या करेगा, पेन बनाना शुरू करेगा। ये पूरा बजट पे था, अब एक्चुअल प्रोडक्शन होगा इसका। तो क्या लगता है, जब एक्चुअल प्रोडक्शन करेगा तो क्या लगता है, मटेरियल तो ए बी सी ही लगे तो श्योर है, लेकिन क्या लगता है, कोई जरूरी है कि इसका 10 ग्राम, इसका 20 ग्राम, इसका 5 ग्राम लगेगा? ये आगे पीछे हो सकता है,
इसका 9 ग्राम लग जाए, इसका 21 ग्राम लग जाए, इसका 4 ग्राम लग जाए, होगा कि नहीं होगा? तो ये सब सब चेंज होगा, ये सब सब क्या होगा, चेंज होगा। सपोज कीजिए कि ये तो श्योर है ना कि चाय बनाते हैं तो दूध चीनी चाय पत्ती लगता है, हमको पता है। प्रॉब्लम कहाँ आता है, उसे क्वांटिटी में। तो ए बी सी हो सकता है 10 ग्राम की जगह कितना ग्राम लग गया, 9 ग्राम, 20 की जगह पर क्या हो गया, 22 ग्राम, और 5 ग्राम की जगह पर सपोज कीजिए 5 ही ग्राम लगा। सब एग्जाम्पल लेके चलिए, बराबर भी लगा कुछ, कुछ क्या लगा, ज़्यादा भी लगा, कुछ कम भी लगा। उसी प्रकार प्राइस में भी इसी तरह हो सकता है। तो प्राइस में भी ले लीजिए, जो प्राइस है किसी में बराबर लगेगा, किसी में कम लगेगा, किसी में ज़्यादा लगेगा। तो सब कुछ कीजिए बराबर, 2 रुपया का 2 रुपया लगा, इसमें ज़्यादा लगा मतलब कम लगा, कितना लगा कम, 1 रुपया पहले से ले चुके हैं ना, तो 75 पैसा मान लीजिए, समझ में आ रहा है। और इसका क्या लगा, ज़्यादा लगा, तो कितना बोल सकते हैं, 4 रुपया, समझ में आया, हो सकता है ऐसा। तो कितना लग गया टोटल मेरा, इसका 18 रुपया लगा, इसका 22 × 75 कितना आ रहा है, 50 पैसा कर लीजिए ना, आंसर अच्छा आएगा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो 11 रुपया लगा, इसका 5 × 20 20 रुपया लगा, क्लियर है। तो टोटल कितना लगा, 18 + 11 + 20, 20 30 40 49। हम सोचे थे बनाने में लगेगा 55 रुपया, लग गया, लगा 49 रुपया, पक्का। तो ये हमारा वेरिएशन हो गया, इसको वेरी कर गया, इसी को हम लोग एनालिसिस करेंगे, वेरी कर गया ना, उससे बना क्या, वेरियंस एनालिसिस, समझ पा रहे हैं। तो हम लोग अंतर बताएंगे, जो अंतर आया कैसे आया, 49 6 रुपया का अंतर आया, ये ओवरऑल एनालिसिस हो गया। उसके बाद हमको इससे काम नहीं चलेगा, हम एक एक चीज़ को देखेंगे, एक एक क्वान्टिटीज को चेक करेंगे, एक एक रेट को चेक करेंगे, समझ पा रहे हैं आप। और बताएंगे कहाँ कहाँ पर हम लोग लॉस दिए हैं, कहाँ कहाँ पर हमारा फायदा हुआ है, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। अब हमको यहाँ पे क्या क्या कंट्रोल, कहाँ कहाँ कंट्रोल करना है, 6 पॉइंट है कंट्रोल करने के लिए, समझ पा रहे हैं आप। हाँ, यहाँ तो समझ लो, इस चैप्टर में क्या करेंगे, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं, इसी एग्जाम्पल कंटिन्यू करते, तो याद रहेगा ऐसा फिगर। हाँ चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहला इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेगा ना, आपको यही सब इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, कहीं कहीं पर इन्फॉर्मेशन हाइड रहेगा, नहीं हाइड रहेगा, तो यहाँ पे हाइड रहेगा तो क्या दिक्कत है, ये नहीं दिया रहेगा तो निकाल नहीं लेंगे हम। अगर ये दिया हुआ, ये दिया हुआ तो ये नहीं निकाल लेंगे, ये दिया हुआ तो ये नहीं निकाल लेंगे, करने का मतलब कुछ ना कुछ आपको दिया रहेगा, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तभी आंसर निकल पाएगा, पक्का। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहला, हाउ टू सॉल्व, सबसे पहला हम हेडिंग में लिखेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन, क्या लिखेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे मटेरियल वेरिएंस हम एनालिसिस करेंगे, मटेरियल वेरिएंस, ठीक है, कितना सोचे थे और कितना का लगा, पक्का। ये वाला ओवरऑल 55 सोचे थे, 49 लगा, क्लियर है। लेकिन इसमें 49 में बहुत कुछ है, तो उसका हम डिटेल निकालेंगे, डिटेल कैसे निकालेंगे बताते हैं आपको। पहले हम एक बार लिख लेंगे यहाँ पर मेरा बजट क्या था या स्टैंडर्ड क्या था, तो यहाँ पर बजट लिखेंगे या तो स्टैंडर्ड लिखेंगे। बजट में क्या लिखेंगे, सबसे पहला तो हम गया, मैं तो मटेरियल लिखेंगे, क्या क्या मटेरियल सोचते हैं हम, ए बी और सी, बजटेड मटेरियल, बजटेड क्वांटिटी, क्या क्या सोचते थे, 10 20 5, क्लियर है, किसी को समझने में दिक्कत। यहाँ पर रेट लिखे हैं, मतलब क्या है, बजटेड रेट है, रेट क्या सोचे थे हम लोग, 2 1 3, तो यहाँ पर जो अमाउंट हो गया, किस तरह का अमाउंट है, बजटेड अमाउंट, तो कितना आएगा ये, 20 20 और 15 40 55, नहीं ये सबसे पहले हम इतना ड्राफ्ट कर लेंगे पक्का, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल,
अब मेटेरियल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे सीधा में ए बी है ना, तो मेटेरियल तो यही रहेगा, मेटेरियल चेंज होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो ये क्या एक्चुअल क्वांटिटी, ये एक्चुअल रेट और ये एक्चुअल अमाउंट। ध्यान दीजिएगा 9 22 5, 9 22 5, क्लियर है। चलिए रेट कितना कितना, 2 50 4, 2 रुपया 50 पैसा और 4 रुपया, तो यह 18 रुपया, 11 20, 50, क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये मेरा वर्किंग नोट हो गया। किसका, किसके लिए कितना वर्किंग नोट कर रहे हैं, किसके लिए, मेटल वेरियंस निकालने के लिए, पक्का। चलिए तो हम लोग पहला एक वर्किंग नोट जिसे करते थे, हम लोग वर्किंग नोट यहाँ पे कर लिए, ये इसको हम लोग बोलेंगे आप लोग वर्किंग नोट, पक्का। तो एक स्टेप में आपको ये जब भर गया ना, आपका आंसर यहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, पर्दा लगाइए तो लाइट आ रहा है थोड़ा, अभी ना पर्दा लगाइए तो लाइट आ रहा है वहाँ प्रोजेक्टर पे के पास, क्लियर नहीं दिख रहा है, फंस जाता है हवा से। यहाँ तक समझ में आ गया है, कहने का मतलब तो जैसे हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको सिखाए थे, ग्राफ हुआ करता था, अगर वो भर गया तो आपका पूरा आंसर आ गया। तो अगर आप ये इन्फॉर्मेशन में, बहुत इन्फॉर्मेशन हाइड रहेगा, लेकिन आपको चार्ट भर गया मतलब आपका आंसर निकल गया, पक्का। अब यहीं से आंसर निकालेंगे, देखिए कितना आंसर निकलेगा। तो मेटल बैलेंस टोटल 5 तरह का होता है, जिसमें पहले 3 सिखा रहे हैं क्योंकि अभी आपका सिलेबस में 3 ही है, लेकिन 2 बाद में सिखाएंगे, एडवांस लेवल क्वेश्चन में सिखाएंगे। तो सबसे पहला जो आपका होता है, सबसे पहला होता है मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस, मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस, इस फॉर्मूला बाद में सिखाएंगे। तो पहला आपको निकालना है मेटल कॉस्ट वेरियंस, ये ओवरऑल निकलेगा। इसमें हम लोग क्या बोले, दो चीज इन्वॉल्व है, क्या क्या, एक क्वांटिटी और एक रेट, समझ पा रहे हैं। तो क्वांटिटी और रेट इन्वॉल्व है, क्वांटिटी और रेट, इसको हम लोग रेट या प्राइस बोलते हैं। तो हम लोग इसको बोलेंगे, इससे जो निकलेगा मटेरियल यूजेज वेरियंस बोलते हैं, इससे जो निकलेगा यूज, यूज हुआ ना कि यूज करने में कितना हो गया, तो मटेरियल यूजेज वेरियंस बोलते हैं। समझ में आया लॉजिक, आप किताब देखिए तो हंसी आएगा, बोलेगा बाप रे तो कितना इजी चैप्टर है, ये समझ जाएगा तब। और रेट से जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मटेरियल रेट वेरियंस या मटेरियल प्राइस वेरियंस बोल सकते हैं, हाँ मटेरियल रेट वेरियंस या मटेरियल प्राइस वेरियंस। अब एनालिसिस करेंगे, ए बी सी, तो ध्यान दीजिएगा यहां भी करेंगे हम लोग ए बी और सी। तो हम यहां पर बोलेंगे क्या यूजेज में क्या है, हम सोचे कितना थे और लगा कितना, हम सोचे थे 10 ग्राम लगेगा, लगा कितना 9 ग्राम। पहले ओवरऑल निकाल लेते हैं, ओवरऑल 55 रुपया था और 49 रुपया था ना, तो ओवरऑल लिखिए कि मेरा जो मेटल कॉस्ट वेरियंस हुआ, हम सोचे थे 55 रुपया लगेगा और लगा कितना 49, कितना 6 रुपये का अंतर हो गया। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं ए और वी, ए का मतलब होता है एडवर्स, एडवर्स का मतलब क्या हो गया खराब, और सॉरी एफ, ए और एफ, और एफ का मतलब क्या हो गया फेवरेबल, इसका मतलब क्या होता है एडवर्स और फेवरेबल का मतलब क्या हो गया, फेवरेबल का मतलब हमारे लिए अगर अच्छा हुआ, अच्छा होगा हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा होगा तो बोलेंगे फेवरेबल, और खराब होगा तो क्या बोलेंगे एडवर्स। तो इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे ऐसे, ऐसे लिख देंगे मतलब क्या है ये खराब है, और अगर ऐसे लिख देंगे मतलब ये फेवरेबल है। तो ये क्या है हमारे लिए, फेवरेबल है कि एडवर्स है, 55 के 89 में बन गया ना, तो ये हमारे लिए फेवरेबल है, पक्का। चलिए अब ए में देख रहे हैं, कितना सोचे थे कितना लगा, 10 सोचे थे 9 ग्राम लगा, 10 ग्राम सोचे थे 9 ग्राम लगा, तो 1 ग्राम एक्स्ट्रा लगा, और 1 ग्राम का रेट कितना था 2 रुपया। अब रेट यहाँ भी है और यहाँ भी, तो हम ये रेट क्यों ले रहे हैं बाद में बताएंगे, ठीक है, बस यहीं पर लॉजिक सिखाएंगे, बाद में एक लॉजिक और रह जाएगा। तो सोचे 2 रुपया, तो मतलब मेरा नुकसान कितना हो गया, देख फायदा हो गया ना, 10 सोचे थे 9 रुपया लगा, तो 1 रुपया पर ग्राम, 1 ग्राम का फायदा हो गया हमको, मतलब 2 रुपया का फायदा हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फेवरेबल, क्लियर है। उसी प्रकार बी का एनालिसिस किए, हम बी का सोचे थे 20 ग्राम लगेगा लेकिन लगा 22 ग्राम, और रेट क्या था 1 रुपया। तो 20 ग्राम सोचे थे और लगा 22 ग्राम, और रेट क्या था 1 रुपया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 रुपया का मेरा नुकसान हो गया, एडवर्स,
क्लियर है। चलिए फिर हम सोचे थे सी का 5 ग्राम लगेगा और 5 ही ग्राम लगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, रेट है 3 रुपया, इसमें कुछ नहीं हुआ, मतलब ये कोई यूनिक मतलब कुछ हमको दिमाग नहीं लगाना है। 5 सोचे थे 5 लगा और रेट था 4 का, मतलब ये कुछ भी नहीं आया। तो ओवरऑल मेरा क्या यहाँ पर आया, कुछ नहीं आया, मेटेरियल में 2 रुपया का नुकसान है, जो फायदा भी हुआ है पक्का। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पर इसका आंसर साफ दिख रहा है, कितना आएगा, इतना आएगा, 6 फेवरेबल आएगा, समझ पा रहे हैं आप, क्रॉस चेक हो जाता है। देख कैसे, ए का सोचे थे 2 रुपया पर रेट से मिलेगा, मिला कितना, 2 ही रुपया के रेट से, जिसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सोचे थे 2 रुपया लगा भी 2 रुपया, और क्वांटिटी यूज कितना हुआ। तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि सर यहाँ 9 ग्राम है, यहाँ कौन सा ले, तो यहाँ पर ये लेंगे, इसके पीछे हम लॉजिक बताएंगे, क्या लॉजिक है, गलत सही ध्यान दीजिए। तो 9 ग्राम, तो हमारा कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बी में देखें, हम सोचे थे कि 1 रुपया लगेगा, 85 पैसा ग्राम मिला, 1 रुपया और मिला 50 पैसा, 50 पैसा फायदा हो गया ना हमको, और यूज कितना किए हैं, 22 ग्राम, मतलब कितना का फायदा हो गया, 11 रुपया का क्या हो गया, फेवरेबल। अब साहब यहाँ से लग रहा है कि मेरा जो अगला आंसर आने वाला है 5 एडवांस आने वाला, नहीं लग रहा है, तब ना जाके बराबर होगा। इसका सोचे थे 3 रुपया पर ग्राम मिलेगा, मिला कैसे, 4 रुपया, तो 3 रुपया ग्राम सोचे थे, मिला 4 रुपये, 1 रुपया का नुकसान हो गया, और कितना ग्राम यूज किए, 5, तो आ गया 5 रुपया मेरा एडवर्स। तो 11 फेवरेबल, 5 और 6 हो गया, और 6 प्लस 0 6 हो गया, ये कंप्लीट एनालिसिस हो गया। हमने एक एक मटेरियल, एक एक क्वांटिटीज का एनालिसिस किया। तो इसमें क्या होता है, 2 लोग हैं इसमें, 2 लोग कौन है, जो क्वांटिटी यूज करता है ना, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन मैनेजर, अलग अलग मैनेजर होता है ना, प्रोडक्शन कौन करता है, उसका डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन मैनेजर। तो प्रोडक्शन मैनेजर को बोलेंगे क्या, यहाँ पे फेवरेबल है, इस पर बोलेंगे ठीक, इग्नोर कर देंगे, यहाँ पर हमको ध्यान देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फायदा में जा रहा है। लेकिन उसे पूछेंगे कि जब हम यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर हमको ध्यान देने का जरूरत है, हम प्रोडक्शन मैनेजर को बोलेंगे जब हमारे बजट में 20 ग्राम सोच रहे हैं तो 22 ग्राम क्यों लग रहा है, गलत सही, तब रीजन यहाँ से नहीं मिलेगा, बोले वो तो बोलेगा सर मटेरियल खराब है, देखते हैं ना, 1 रुपया का चीज आप 50 रुपया ला रहे हैं तो चीज खराब दिया होगा, और खराब चीज देगा तो ज्यादा नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक रहा होगा। कोई जरूरी नहीं है कि लॉजिक मिल ही जाए, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन हम कोशिश कहाँ पे करेंगे, प्रोडक्शन मैनेजर को बोलेंगे मटेरियल बी पे ध्यान दो, बाकी सब जगह इग्नोर करो, सी सही है ना, मतलब 5 और 5 यूज कर रहा है। तो जो जो जनरल मैनेजर है वो क्या करेगा, इस चार्ट को बनाएगा या बनवाएगा, फाइनेंशियल मैनेजर अलग होगा जो फाइनेंस देखता होगा, नहीं, और वो डिसीजन देगा क्या प्रोडक्शन मैनेजर को कि आप बी का क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए कि आखिर आपका 2 ग्राम एक्स्ट्रा क्यों लगा, पक्का आपको लग रहा, कितना बड़ा एनालिसिस करते हैं, खाली इसको एनालिसिस नहीं करेंगे हम यहाँ भी एनालिसिस करेंगे पक्का। अगर ये 2 एडवर्स निकल जाए तो हमारा आंसर 6 की जगह पर 8 फेवरेबल हो जाएगा, नहीं, अगर 2 रुपया फायदा में ले लेंगे तो, अभी 6 रुपया बचा रहा है, 4 रुपया, अब 8 रुपया फायदा हो जाएगा, क्योंकि 2 ये भी तो यहाँ नुकसान दे दिया ना, तब 6 रुपया फायदा हुआ है, अगर ये भी नुकसान नहीं होता तो मेरा कितना हो जाता, 8 रुपये नहीं हो जाता। चलिए अब यहाँ पे जाएंगे ना, तो जो जो रेट के लिए ये खरीदता कौन है, इसके लिए परचेज मैनेजर अलग से होता है, इसका डिपार्टमेंट होता है एक्विजिशन डिपार्टमेंट, इसके लिए एक परचेज डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज मैनेजर, क्या समझ में आया लॉजिक। तो परचेज मैनेजर को बोलेंगे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे फेवरेबल हुआ है, यहाँ पे इग्नोर करेंगे, लेकिन जब सी को पकड़ेंगे ना, बोलेंगे कि ये कैसे हो गया, हम जब 3 रुपया ग्राम सोचे थे, 4 रुपया ग्राम तुम कहाँ खरीद के लाया, तुम यहाँ पे ध्यान दो, समझ पा रहे हैं आप, और यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत, क्योंकि जहां जहां फेवरेबल हो रहा है हम क्यों ध्यान देंगे, गलत सही। आप सबको काम समझा करके आ गए, जो काम अच्छा हो रहा है कुछ बोलिएगा, बोलेंगे कहाँ कहाँ, जहां पे खराब हो रहा है, तो जहां जहां ए आएगा वहां वहां हम ध्यान देंगे। इसका मतलब प्रोडक्शन मैनेजर फैक्ट्री में जाएंगे तो किसको हल्ला करेंगे, हम मैनेजर को बी के लिए बोलेंगे कि बी का क्वांटिटी ऐसा क्यों यूज हो रहा है, और यहाँ पे सी का। पापा चाय पी, मम्मी लोग चाय बना रही है, तो आप देख रहे हैं कि चीनी का खपत, पापा सोचे थे कि महीना का 2 केजी या 2 केजी खपत हो रहा है, तो पापा कुछ बोलेंगे, 1.5 किलो खपत हुआ बोलेंगे, लेकिन चाय पत्ती सोचे थे कि आधा किलो खत्म होता है, ये 1.25 किलो कैसे खत्म हो गया, गलती सही। तो ध्यान देंगे ना भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो ठंडा है, चाय ज्यादा बन रहा है, समझ में आया लॉजिक, और यही आपका आंसर है, समझे आप, यही आपका क्या है, पूरा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर कैसे है बताते हैं आपको, 10:23 हो गया, लेकिन ठीक है, अब तो टाइम आउट ले लेते हैं, इन लोगों को समझाए को जाकर के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, हल्का हिंट करके छोड़ देते हैं, समझे आप, क्योंकि भाई अगला बैच मोड से हमको भी खराब लग रहा है, क्या करें, मजबूरी है। ध्यान दीजिए, इसमें फॉर्मूला बन गया, ये 55 रुपया क्या था,
टोटल बजटेड अमाउंट था, लेकिन बजटेड अमाउंट तो ये है, ये क्या है, टोटल बजटेड अमाउंट है। जी तो ये इसका फॉर्मूला क्या बना, टोटल बजटेड अमाउंट माइनस क्या हो गया, टोटल एक्चुअल अमाउंट इक्वल टू दिस। तो मेटेरियल कॉस्ट ब्रांच का फॉर्मूला क्या निकला आपका, टोटल बजटेड अमाउंट माइनस टोटल एक्चुअल एक्चुअल अमाउंट। और टोटल बजटेड अमाउंट कैसे निकलता है, टोटल खर्चा निकाल के। अब देखिएगा मेटेरियल यूजेज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला निकला, ये क्या था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस ये क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू दो क्या था, स्टैंडर्ड रेट। इसका फॉर्मूला क्या आया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। पक्का सबका फॉर्मूला ही हो गया। इसका फॉर्मूला क्या आया, स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे क्वांटिटी क्या ले, क्या ले, एक्चुअल ले रहा ना, तो एक्चुअल क्वांटिटी। तो कहने का मतलब इसमें मिस्टेक होता है, यहाँ पर एक्चुअल यहाँ पे स्टैंडर्ड, समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ जाएगा तो कोई भी गलत नहीं होगा। तो अभी हम समझाएं, यहाँ पर सब समझ गए, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्यों लिए, यहाँ पर एक्चुअल क्यों लिए, यहाँ पर एक्चुअल क्यों नहीं लिए और यहाँ पे स्टैंडर्ड क्यों नहीं लिए, नहीं समझ में आ रहा है। ये लॉजिकल दोनों बताएंगे और आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा और आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। आपका तो क्वेश्चन और इजी रहेगा, पहला एक ही मेटल कर देगा, बाद में दो करेगा, बाद में तीन करेगा, हम आपको मैक्सिमम लेके बता दिए। पक्का, तो क्वेश्चन कल से शुरू करते हैं, इसको एक बार समझा देंगे कल और फिर सब शुरू करते हैं। अब समझ में आ गया आपका, कोई दिक्कत, बना के देखिए आपको बनने लगे समझ में, बड़ी अच्छा लगेगा, लगेगा कितना इजी है, क्योंकि पूरा लॉजिक समझ गया ना आप लोग, फॉर्मूला रट के करते तो समझ में नहीं आता क्या होता है। पक्का, तो हम लोग स्टेप नंबर वन में क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे, ऐसा वर्किंग नोट बन गया मतलब इसको देख देख के एनालिसिस करना है, नहीं दिस माइनस दिस, दूसरा में दिस माइनस दिस इंटू दिस, तीसरा में क्या होगा, दिस माइनस दिस इंटू दिस, पक होता है ना, आंसर आ जाएगा। पक्का, और क्रॉस चेक भी हो जाता है कि जितना ये हो रहा है उसी का दो भाग में बटेगा, क्रॉस चेक भी कर लेंगे हम लोग, क्या कोई दिक्कत किसी को।